ईद के कपड़ों के लिए भी। दो बच्चियां मेरे पास आई, कहने लगी कि आपने कहा है कि ईद के लिए कपड़े प्लान कर लो, तो वो जो ईद के लिए नया सिलसिला होगा, डिज़ाइनर्स तो ईद के लिए खसूसी एल्बम्स खसूसी सिलसिला करते हैं, तो हम तो ईद के लिए तभी लेना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ईद के लिए डिज़ाइन तो नेट से भी पसंद कर सकते हैं, किसी की फेसबुक से आप खोलें, और ऑनलाइन भी आप शॉप कर सकते हैं, उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप किसी जगह पर पहुँचें। मुराद ये है कि आप अपना वक्त बचाएं। वक्त जब आप ज़ाया करते हैं, रमज़ान ज़ाया करने वाला महीना नहीं है, इस वक्त वो कारामद कामों में लगाएं अपनी ज़िंदगी के लिए और नफ़ामंद बनाने के लिए। इसे हर तरीका जो हो सकता है उसे ज़रूर इख्तियार करें। क्या रमज़ान के लिए ये अच्छा पैकेज नहीं है कि इस रमज़ान में खूबसूरत आवाज़ में, वो हमारी आवाज़ होगी, खूबसूरत मखारिज के साथ कुरान हकीम पढ़ना सीख लें। तो कितना नफ़े का सौदा है, कुरान हम पढ़ेंगे और हमें तर्जमा समझ आएगा। इसी तरह से किसी न किसी को नेकी की चीज़ें ज़रूर सिखाइए, ख़ुद भी कुरान हकीम का कुछ ना कुछ हिस्सा ज़रूर याद कर लें। इसी तरह आप नेकी के पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचा सकते हैं। आप अब तो इतना आसान तरीका है, आप कोई अच्छा मैसेज है जहां से कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, फेसबुक के थ्रू जो चीज़ें जा रही हैं तो और ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँचाते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू कितनी चीज़ें पहुँचा सकते हैं आप, बराह रास्त मजालिस में शिरकत कर सकते हैं। नेकी के सारे कामों के लिए अपना वक्त लगाइए। अल्लाह ताला बरकतों वाला रमज़ान नसीब करे। अल्लाह ताला इस रमज़ान की हर बरकत से हमें फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे।